नमस्कार। सियासी हलचल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हार का ठीकरा कांग्रेस नेतृत्व पर ही फोड़ रहे हैं। ग्वालियर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम सेवक सिंह बाबूजी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शर्मनाक हार का ठीकरा प्रदेश नेतृत्व पर फोड़ा है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावा राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की शर्मनाक हार के लिए नेताओं ने पार्टी के साथ धोखा किया है, बीजेपी से मिलकर कमजोर प्रत्याशी खड़े किए गए, उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ कर कांग्रेस की ये हालत कर दी है। उनका कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जांच कराना चाहिए। मेरी नाराजगी की नहीं है, मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस को अकेले राहुल गांधी की छवि और राहुल गांधी अपनी मेहनत पे इतनी कांग्रेस को चला रहे हैं। बाकी जहाँ तक मेरा सोच है, और मैंने चुनाव चलते के टाइम में भी कहा था और टिकट के टाइम पे भी मैंने कहा था कि ये जो है मध्य प्रदेश के जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप किसी मतलब की नहीं है और ये अपनी अपनी पट्टेबाजी और खेमेबाजी के चक्कर में, अपने अपने लालच में, अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के चक्कर में इन्होंने जो है, जिसका कारण है कि हम ये यहाँ की ये 3 सीटें हारी ग्वालियर चंबल की, और देखिए वहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लीडरशिप की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर कर दी जा रही है। ये पता नहीं बीजेपी से भाजपा से मिले हैं या किससे मिले हैं, मैं तो इन पर ये लांछन लगाऊंगा कि ये जो भाजपा से मिलके और अपनी अपनी खेमेबाजी पट्टेबाजी के चक्कर में यहाँ कमज़ोर टिकट दिए, जिसकी वजह से ये चुनाव हारे। आप क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या कहना चाहिए, मध्य प्रदेश परिवर्तन करना चाहिए कि सीनियर लीडर्स को सामने लेके आना चाहिए? राष्ट्रीय नेतृत्व को ये चाहिए कि यहाँ परिवर्तन करें और जितने भी मध्य प्रदेश के प्रभारी और मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इनको सबको हटा के नए लोगों को लाएं, जिनको जिनकी पब्लिक में इमेज अच्छी हो उन लोगों को लाएं और उन लोगों को यहाँ का मध्य प्रदेश का नेतृत्व दें, और अभी से उनको जवाबदारी लगाएं कि वो जो है अपने अपने लोगों को, अपने मतलब कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मैंने जो है चुनाव के बीच में भी ये कहा था, टिकट के टाइम पे भी कहा था कि जो जो लोग टिकट दिलवा रहे हैं उनसे की जवाबदारी ली जाए कि ये टिकट किसने दिए, तो तुमने किस आधार पे इस व्यक्ति को टिकट दिया जो चुनाव हारा? क्या कांग्रेस में टिकट के चक्कर में टिकट अगर मैं जो है टिकट जो है तुमको जैन साहब को दिलवा रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितवा के भी लाऊं इनको। ये किन किन ने किस किस को टिकट दिया है, किन किन ये 29 टिकट जो बांटे हैं मध्य प्रदेश में, ये किस किस पार्टी किस किस को टिकट दिया है, उनसे जवाब लिया जाए ये तुमने किस व्यक्ति की सिफारिश की जिसकी वजह से टिकट मिला और ये चुनाव हारे। कांग्रेस पदाधिकारी बनने से ये नहीं है कि कांग्रेस उनके घर की हो गई, कांग्रेस हर कार्यकर्ता की है, हर कार्यकर्ता को ये सब सवाल पूछने का अधिकार है। मैं उसी अधिकार के तहत कार्यकर्ता के अधिकार की ऐसी से पूछ रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश में 29 टिकट बांटे हैं, तो उसका हाईकमान ये हिसाब ले कि 29 टिकट में किसने किसकी सिफारिश की, उसकी जवाबदारी क्यों नहीं घोषित की जाए और उसकी जवाबदारी दी जाए उसको, उसके हिसाब से उसको आगे राजनीति में महत्व दिया जाए। यानी कि परिवर्तन जरूरी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रभारी से लेकर के और अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबको चेंज करना चाहिए। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।